लवलीज, वेलकम टू माय चैनल प्रियाज ब्यूटी जोन। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक, जो कि इंस्पायर्ड है बाय रेखा जीज लुक द लेजेंड द दीवा। वो मोस्टली गोल्डन साड़ी और इस तरह के मेकअप में नजर आती हैं। तो चलिए ये अफोर्डेबल मेकअप आपके साथ जल्दी ही शेयर करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैंने अपनी इस लुक के साथ पेयर अप करी है ये zatki.com की ये गोल्डन साड़ी। बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन कोरियन जैकवार्ड लेस बॉर्डर साड़ी है। इस तरह का गोल्डन बॉर्डर है और ओवरऑल गोल्डन सेल्फ का वर्क है इस पे, मुझे बहुत प्रिटी लगी। और ये आपको 949 रुपीज में मिल जाएगी। आपको इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही इस तरह का ब्लाउज पीस आ रहा है इसके साथ, तो आप उसे स्टिच करवा सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं अपना मेकअप ट्यूटोरियल। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपने स्किन केयर से, क्योंकि स्किन का केयर करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो मेकअप फ्लॉलेस होगा। और मैं सारे ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, आपको सब लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर लगाया है फेस पर, इसे टैप करके 5 मिनट्स तक मैं यूं ही छोड़ देती हूं। और उसके बाद लिप्स को मॉइस्चराइज कर रही हूं निव्या के चेरी लिप बाम से। टोनर से आपकी स्किन का पीएच लेवल बैलेंस हो जाता है। फिर आपको एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाना है और मैंने लिया है निव्या का एलो हाइड्रेशन मॉइस्चराइजर। विंटर्स हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर फेस पे लगाइए, ताकि आपकी स्किन सॉफ्ट और सपल हो जाए और मेकअप काफ़ी अच्छे से ग्लाइड करे। इसे भी 5 मिनट छोड़ने के बाद मैं फिल इन कर रही हूँ अपने आईब्रोज को। फैशन कलर की ब्राउन आईब्रो पेंसिल ली है मैंने, इसे मैं पहले कोम करूंगी और फिर मैं इसे फिल इन करूंगी। उसके बाद मैं एक डार्क ब्राउन आई शैडो शेड से टॉपअप भी करूंगी, ताकि मुझे एक अच्छे फिल्ड आईब्रोज मिल जाएं। और आई बेस बनाने के लिए मैंने NYBay का लिक्विड कंसीलर यूज़ किया है इन द शेड लाइट, और इसको टॉपअप कर रही हूँ मैं लैक्मे के वाइटनिंग रोज लूज पाउडर से। ये बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत बढ़िया लूज पाउडर है। उसके बाद मैंने सिवाना कलर्स की ये शिमर ब्रिक ली है, आपको शेड वगैरह सब नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। इसमें से मैंने लाइट गोल्डन शेड पिक किया है अपने ब्राउ बोन एरिया को हाईलाइट करने के लिए। और उसके बाद वेट एंड वाइल्ड का रोज इन द एयर पैलेट ले रही हूँ मैं, और ये 3 शेड्स लेकर मैं अपना आई मेकअप क्रिएट करने वाली हूँ। तो मैं पहले बरगंडी कलर का शेड ले रही हूँ जो पर्पल टोन में है, उसको मैं अपनी क्रीज लाइन में अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ एक फ्लफी ब्रश के हेल्प से। उसके बाद मैंने इसी पैलेट से डार्क ब्राउन शेड को पिक करके आउटर और इनर कॉर्नर में प्लेस किया है, सेंटर लिड को छोड़ दिया। उसके बाद मैंने ब्लेंडिंग करी है एक लाइटर ब्राउन कलर से, और स्विस ब्यूटी का ये पीची रोज गोल्ड कलर का ग्लिटर है, लिक्विड ग्लिटर, जिसको मैं अपनी आईलिड पर प्लेस कर रही हूँ। तो बहुत ही प्यारा वेडिंग गेस्ट लुक क्रिएट हो रहा है। आप इसको एज ब्राइडल आई मेकअप भी कर सकते हैं। NYBay का लिक्विड ब्लैक आईलाइनर लिया है मैंने, बहुत बढ़िया विंग्ड आईलाइनर बनता है इससे, काफ़ी पिगमेंटेड हैं इसके प्रोडक्ट्स और बहुत ही अफोर्डेबल हैं। साथ ही इसके बाद मैं लगाऊंगी ब्लू हेवन का वॉक फ्री मस्कारा अपनी आईलैशेस पे, और प्लेस करूंगी आर्टिफिशियल आईलैशेस जो कि हैं बेफलॉन की फॉक्स मिंक आईलैशेस, जो आपको अमेजोन पे मिल जाएंगी। स्विस ब्यूटी का बेस प्राइमर लिया है मैंने। अगर आपके फेस पर थोड़े ओपन पोर्स हैं तो आप इस तरह का प्राइमर लीजिए जो आपके पोर्स को ब्लर आउट कर दे, फिल इन कर दे। तो ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है और बहुत ही अफोर्डेबल है। इसको अपने पूरे फेस पे लगाने के बाद अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं या पिगमेंटेशन है तो आप एक ऑरेंज कलर के करेक्टर से उसे करेक्ट कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली लगा रही हूँ लैक्मे की परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन, और इसमें मेरा शेड है नेचुरल पर्ल, जो कि थोड़ा लाइट है, बट मेरे पास यही वाला शेड अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल फाउंडेशन है, और लैक्मे की एक न्यू फाउंडेशन आई है विच इज़ प्राइमर प्लस फाउंडेशन, वो भी मैंने परचेज कर लिया। मैं जल्दी ही उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसको मैंने एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है। आपको शेयर टू मीडियम कवरेज देती है, बिल्डेबल फाउंडेशन है तो आप इसको 2 लेयर्स लगा के बिल्डअप कर सकते हैं। और मैंने कंसीलर भी अप्लाई किया है NYBay का लिक्विड कंसीलर, बट वो क्लिप थोड़ा कट हो गया, तो मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ दिस कंसीलर ऑन दी एरियाज जहाँ आपको हाईलाइटिंग करने की ज़रूरत होती है। इसके बाद ले रही हूँ NYBay रनवे की कॉन्टोअर स्टिक, क्रीम कॉन्टोअर स्टिक है, इसमें शेड है एस्प्रेसो। इसको मैं अपने हॉलोज ऑफ द फेस में लगा रही हूँ जॉ लाइन पर, ताकि थोड़ा सा चिजल्ड फेस लगे हमारा। और नोज़ को कॉन्टोर करना कभी नहीं भूलती मैं, बिकॉज मेरी थोड़ी सी प्लम्प नोज़ है। लिप्स के ऊपर भी आप कॉन्टोरिंग करेंगे तो लिप्स की बहुत बढ़िया शेप आएगी। इसको भी आप ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड कर सकते हैं, चाहे तो ब्रश के हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं, और आप देख पाएंगे कि कितनी बढ़िया डायमेंशन फेस पर आ जाती है। SFR का ब्लशिंग ब्लश ले रही हूँ मैं इन द शेड कोरल पिंक, बहुत ही पिगमेंटेड और बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। अगेन इसको मैंने कॉन्टोर लाइंस के ऊपर लगाकर ब्लेंड कर लिया है, और अब मैं सिवाना कलर्स का वही हाइलाइटर ब्रिक में से कुछ रैंडम कलर्स के ऊपर ब्रश फेर कर अपने फेस के हाइएस्ट पॉइंट्स पर हाइलाइटिंग कर रही हूँ।
इसके बाद पूरे बेस को हम फिक्स कर लेंगे स्विस ब्यूटी के मेकअप फिक्सर स्प्रे से। और अब बारी है एक बार फिर से हाइलाइटर को टॉप अप करने की और साथ ही अपनी लोअर लैश लाइन के साथ आई मेकअप कंप्लीट कर लेते हैं। डार्क ब्राउन शेड लेकर मैंने स्मोक आउट किया है लोअर लैश लाइन पर और मैं अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ NY का बिग एप्पल ऑफ माय आई काजल, वेरी पिगमेंटेड एंड अगेन वेरी अफोर्डेबल। इसके साथ हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया। स्विस ब्यूटी का जो लिक्विड ग्लिटर मैंने अपने आईलेट पर लगाया है उसी को मैं इनर आई कॉर्नर्स पर भी प्लेस कर रही हूँ, तो आपको बहुत बढ़िया ब्राइडल आईज वाली लुक मिल जाती है। रेड कलर के लिप लाइनर से मैंने अपने लिप्स की आउटलाइन करी है और इसको फिल इन भी किया है ताकि मेरी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग हो। और ब्लू हेवन सफायर लिक्विड लिपस्टिक से फेवरेट मेरा शेड हॉट रेड, जो मैंने क्रिसमस मेकअप में भी लगाया था और आपको काफ़ी पसंद आया। तो इसी के साथ लुक हो गई कंप्लीट। चेक करते हैं हमारा फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये मेकअप लुक? लग रहा है थोड़ा बहुत नियर टू इंस्पायर्ड बाय रेखा जी'स लुक, बिकॉज रेखा जी आपको मोस्टली अवार्ड फंक्शंस वगैरह पे दिखेंगी इस तरह की बढ़िया बढ़िया गोल्डन कलर की साड़ीज, हैवी ज्वेलरी और बढ़िया सा मरून लिपस्टिक वाला मेकअप के साथ। तो मैं कुछ उनके मेकअप से भी इंस्पायर हुई हूँ, बट आप इसको एज वेडिंग गेस्ट कैरी कर सकते हैं, एज अ ब्राइडल मेकअप लुक भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा है तो थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी क्लिक कीजिएगा। मिलती हूँ आपको जल्दी ही, अपना ख्याल रखिए, बाय।